से जब आपकी मशीन में प्रोग्राम एंड हो जाएगा ना, तो जैसे एंड लिखा हुआ आएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपने नेक्स्ट प्रोग्राम सेलेक्ट करना, यहाँ से ऑन किया, ठीक है, जैसे आप इसको ऑन करोगे ये बाय डिफ़ॉल्ट स्मार्ट सेंस पे आ जाएगी, ठीक है, फैक्ट्री सेटिंग के हिसाब से स्मार्ट सेंस पे आ जाएगी। और आप वन टच स्टार्ट, ऐसे जैसे इसको प्रेस कर दिया, अब ये अपने आप कपड़ों को चेक करेगी कितने कपड़े हैं, तो अपने आप उतना ही पानी ले लेगी कपड़ों के हिसाब से, ठीक है। वाटर लेवल इसमें वन लिया है, अभी ये खाली है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा कपड़े होंगे फिर टू भी लेगी, तीन भी लेगी, चार भी ले सकती है कपड़ों के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने दूसरा प्रोग्राम कोई लगाना है, इसको प्रेस करोगे तो ये लाइट जो है मूव करती जाएगी। अब एक्सप्रेस पे आ गई, अब एक्सप्रेस वाले कपड़े को कैसा ट्रीटमेंट चाहिए वो इसके अंदर ही फिटेड है, वो आपको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। जीन्स के लिए कैसा चाहिए वो इसमें दिया हुआ सब, ये डेलीकेट्स के लिए, ये स्पिनिंग के लिए, ठीक है। ये पावर वाश के लिए आएगा, जैसे बहुत ज़्यादा मैले गंदे कपड़े तो अगर उनको करना है तो पावर वाश आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके स्टार्ट करोगे तो ये खुद ही डिटरमाइन करेगी कि कितना पानी इसको लेना है कपड़ों के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आगे आपका, जैसे आपने कोई प्रोग्राम सेलेक्ट किया तो आपने अपने हिसाब से कपड़ों में पानी डालना है, तो इसको यहाँ से प्रेस करके चेंज कर सकते हो, वाटर लेवल लो, मीडियम, हाई, और ये हाई प्लस आ गया आपका, ठीक है। जैसे बहुत कम कपड़े हैं तो वन पे रखना ही रखना है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर आ गया, जैसे कोई कपड़े आपने गर्म पानी से वॉश करने हैं तो यहाँ से टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हो। ये मशीन प्रोग्राम के हिसाब से खुद ही आपको यहाँ पे ऑप्शन देगी। अब जैसे एक्सप्रेस वॉश वाले जो कपड़े हैं ना वो कम गंदे होते हैं, जैसे जॉगिंग वाले कपड़े या कम टाइम पहने हुए कपड़े, कम गंदे कपड़े, वो आपने इस एक्सप्रेस वॉश मोड में धोने हैं, तो उन कपड़ों को ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उनको गर्म पानी भी देना ज़रूरी नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको गर्म पानी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये प्रेस कर रहे हो ना तो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। अब इसमें वॉशिंग का टाइम आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ये चाइल्ड लॉक है, अगर बच्चे हैं घर में तो चाइल्ड लॉक कर दो, ठीक है। ये सी एल लिखा हुआ आएगा जब चाइल्ड लॉक हो जाएगा ना, अब कोई भी आएगा इसको छेड़ेगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। अगर अनलॉक करना है, इन दोनों को इकट्ठा प्रेस करना है, ये अनलॉक हो जाएगा। अब जैसे कोई इसको प्रेस करेगा ये प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा आपका, ये बीप आ गया ना, अब ये हो जाएगा, ये ऑफ हो गया, ठीक है। जब ये अनलॉक होएगी ना तो बीप मारेगी। उसके बाद जैसे अभी आप दूसरा प्रोग्राम सेलेक्ट करते हो, जैसे जीन्स वाला, ये जीन्स वाले में जो हैवी कपड़े हैं ना, जैसे जीन्स वगैरह के हैवी फैब्रिक वाले, तो इसमें वॉश करना, इसमें पानी कम ज़्यादा करना यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हॉट वाला, इसमें आपको 40 डिग्री अगर गर्म करना है वार्म वाटर, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा करना है तो 60 डिग्री कर सकते हो। जब आपने 60 डिग्री करना है तब आपने कलर कपड़े नहीं डालने, ठीक है, कलर कपड़े नॉर्मल वाले डाल सकते हो जिनका कलर फेड नहीं हो सकता है, जिनका फेड हो सकता है उनको कलर, उनको गर्म पानी से वॉश नहीं करना आपने। उसके बाद वॉशिंग का टाइम सेलेक्ट करने की ज़रूरत है तो करो, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। रिंजिंग का भी आप चेंज कर सकते हो कितना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। ये आ गया आपका डिले टाइम के लिए, जैसे आपको सुबह 4 बजे मशीन में कपड़े धोने हैं या 6 बजे धोने हैं या 8 बजे धोने हैं, आप इसको प्रेस करके रखना आपने, तो जितना जितने घंटे के, जैसे 2 घंटे के बाद वॉशिंग करनी है 2 घंटे का टाइम डाल लो, 3 घंटे के बाद करना है, ठीक है, इसको प्रेस करके रखना आपने, ये चेंज होता जाएगा।
उसके बाद आपने स्टार्ट कर देना, ठीक है। अब ये 7 घंटे के बाद मशीन ऑन होएगी तो कपड़े धोएगी। इधर से कैंसिल कर दिए। जब भी आपने कोई प्रोग्राम कैंसिल करना है यहाँ से ऑन ऑफ करना है। जैसे इसको ऑन ऑफ करोगे तो ये रीसेट मोड में चले जाएगी, ठीक है। उससे क्या होगा, पूरा जो प्रोग्राम वो कैंसिल हो जाएगी, नए से आप प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो। ओनली स्पिनिंग करनी है जहाँ पे आके इसमें लिक्विड डिटर्जेंट डालना है आपने, ठीक है। ये लो लेवल है, ये मीडियम है, उसके बाद ये हाई है मैक्सिमम। उसके बाद ये टावर फिल्टर होता है, इसको ऐसे खोल के इसमें जेब में से जो रुएं वगैरह निकलते हैं ना वो यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको खोल के साफ करके टूथब्रश से साफ कर दिया अच्छे सॉफ्ट ब्रश से, फिर इसको ऐसे बंद करके इसमें डाल देना ऐसे, ठीक है। ऐसे फिर ये इसको ऐसे ब्रश करना, ये ऐसे लॉक हो जाएगा। जब इसके अंदर आपने कपड़े डाल लें उनमें से पेन पेंसिल कॉइन वगैरह वो निकाल देना। इधर से ऊपर तक कपड़े नहीं डालने आपने, ये जो लेवल है ना इससे नीचे रखने कपड़े। अगर इससे ऊपर करोगे तो कपड़े जंप मार के बाहर चले जाएंगे तो फिर वो ड्रम में फंस जाते हैं कई बार, ठीक है। इससे ऊपर नहीं रखने आपने, इधर तक ही रखने कपड़े। और जब भी आपने मशीन को चलाना पैरों में शूज़ लगे होने चाहिए और शूज़ के नीचे रबड़ का मैट या लकड़ी का कोई फट्टा होना चाहिए ताकि कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। जब मशीन यूज़ में नहीं है तो आपने पीछे से बिजली वाली तार निकाल के रख देनी है और महीने में एक बार इसकी सर्विसिंग करवानी है। हमें बुलाना, हम आके सर्विसिंग आपको कर देंगे। इसकी 4 साल की 100% वारंटी है और 10 साल मोटर की वारंटी है। 4 साल तक आप कभी भी हमें बुला के सर्विसिंग करवा सकते हैं मशीन की, ठीक है। अगर आप डेली चला रहे हो तो महीने में एक बार आपने सर्विसिंग जरूर करवानी है। अगर जैसे दूसरे तीसरे दिन चला रहे हैं फिर 2 महीने में एक बार करवानी है। अगर आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे एरर लिखा हुआ आएगा, E1, E2 ऐसे लिखा हुआ आएगा, तो वो खुद ही मशीन बता देगी कौन सा पार्ट इसका ख़राब हुआ है। और मशीन को लेवल में रखना, अगर आपकी मशीन लेवल में नहीं होगी तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है।